हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 2018 की जो लॉटरी है सिडको की, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स दिए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे। मैंने कुछ अदर चार्जेस को लेके बात किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि अदर चार्जेस को लेके लोगों ने, बायर्स ने एक फ्रेज तैयार किया था कि वेव ऑफ चार्जेस करके, ये फ्रेज था कि चार्जेस को माफ किया जाए। ऑब्वियसली ये हमारी गलती नहीं है, जो भी लेट हुआ है, जो मेंटेनेंस लग रहे हैं, अदर मेंटेनेंस लग रहे हैं, उसे माफ किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज आएगी, अगर इन चार्जेस को माफ किया जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। फ्रेंड्स, इन चार्जेस को माफ नहीं किया गया है, जो अदर चार्जेस है उसे माफ नहीं किया गया है। अभी पोजीशन देने में सिर्फ एक महीना ही रह गया है। जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोगों को इस लॉटरी का, इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि जो चार्जेस हैं वो माफ किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि चार्जेस जो है वो देना ही पड़ेगा। अब हमें यही लग रहा है क्योंकि अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। तो जो चार्जेस है वो 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में होगा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वालों के लिए। अब साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो अलॉटमेंट्स होने वाले हैं, जो पोजीशंस मिलने वाले हैं फ्लैट्स के, वो बैचेस में दिए जाएंगे। जैसे कि कुछ कुछ सेक्शंस के अगर जो भी बिल्डिंग्स रेडी हो रहे होंगे, जो भी फ्लैट्स रेडी होंगे, वैसे वैसे लोगों को पोजीशन मिलते जाएंगे। सबसे ज्यादा जहां पे पोजीशन मिलने की आशंका है लोगों को, वो है तलोजा सेक्टर 27 में, जिसमें टोटल 1,725 फ्लैट्स अलॉट किए जाने वाले हैं। तो यहाँ का काम जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब लोगों को यहाँ के पोजीशंस मिलने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेक्टर 27 का, ये जो तलोजा सेक्टर 27 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लैट्स लोगों को अलॉट किए जाएंगे। मतलब सबसे जल्दी, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को यहाँ पे फ्लैट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वालों के लिए 1,000 के आसपास आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और अब जब भी आपको पोजीशन लेना होगा अपने फ्लैट का, तो ऑब्वियसली आपको सारे इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे। और आपको सारे इंस्टॉलमेंट्स का जो आपने भरा है उसका प्रूफ, उसका जो रिसिप्ट है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका जो राइट है, अब आपने जो मेंटेनेंस चार्जेस है जो आपको नहीं भरना था, जो देखा जाए तो बायर्स का मतलब फॉल्ट नहीं है इसमें, जो भी डिले हुआ है वो सिडको वालों को भरना था। तो हमने जो भरा है उसके ऊपर जो अपना राइट्स आता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको सारी ऐसा प्रोसेस के बाद एक चेकलिस्ट दी जाती है। अगर आपको कहीं पे भी अपने फ्लैट में कोई भी कमी लगती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा भी डीडीए का फ्लैट है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं थी। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि काफी फॉल्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस वक्त हमने रेरा में कंप्लेन किया था और हमारे फ्लैट में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमारे काफी वॉल पे सीपेज की प्रॉब्लम आ रही थी, सिंक अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी थी, टूटे हुए थे, टाइल्स टूटी हुई थी, तो ये सारी चीजें हमने कंप्लेन की थी। तो कुछ हद तक रेरा वालों ने हमारी, सॉरी डीडीए वालों ने हमारी कंप्लेंस एक्सेप्ट की और कुछ हद तक उन्होंने ठीक किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पेमेंट भी नहीं किया था क्योंकि कोई भी चीज रेडी नहीं थी, एनओसी लेटर रेडी नहीं था। तो हमने कोई भी पेमेंट, मतलब पेमेंट किया था हमने कुछ हद तक, पूरा पेमेंट नहीं किया था। तो अब क्योंकि हमने पेमेंट करने में डिले किया था, तो हमारे ऊपर पेनल्टी चार्जेस भी लग रहे थे। तो उस वक्त हमसे पेनल्टी चार्जेस लिया गया था और उसमें भी हमने कंप्लेन किया था क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि जो डीडीए का जिस तरीके से काम था उन्होंने टाइम पे कंप्लीट करके नहीं दिया था, इसलिए हमने पेमेंट नहीं की थी। तो उन्होंने साथ ही साथ हमारा जो पेनल्टी चार्जेस हमने भरा था वो भी रिटर्न किया था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप का जो हक है वो आप लोग जानिए। मैंने रेरा के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं, आपको उसमें कैसे कंप्लेन करना है, रेरा क्या होता है, ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोस में बताया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसमें तो सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बायर्स का हक है जानने के लिए कि अगर बिल्डर आपके साथ कोई भी धोखा करता है, कोई भी टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहा है और आपको इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ रहे हैं। जैसे कि 2018 का प्रोजेक्ट ही ले लीजिए सिडको का, इतना टाइम हो गया, लोगों को ईएमआई भरनी पड़ रही, कितना ज्यादा लॉस हो रहा है लोगों का। तो उस केस में आप लोगों को अपने राइट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग अदर चार्जेस भर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इन चीजों का ख्याल रखिए कि अगर आपके फ्लैट में कुछ भी आपको कमी लग रही है, तो आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। और ये जो रेरा बना है वो सारे स्टेट के लिए है, ये ऑल ओवर इंडिया है। आप लोग डीडीए में कंप्लेन कर सकते हैं, महाड़ा में कंप्लेन कर सकते हैं, सिडको से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, आपको अगर उनके फ्लैट्स में कोई भी कमी लग रही है।
हम लोन लेके कैसे कैसे मैनेज करके अपने घर के पैसे पे करते हैं, उस पर फिर EMI भरते रहते हैं, इतना ज्यादा लॉस में चलते हैं, पूरे मैनेजमेंट जैसे तैसे संभालते हैं इस तरीके से। तो जब बायर्स का जो राइट का टाइम आता है, हमारे हक की जब बात आती है, तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं। हमें प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग इन सब चीजों से अपने आप को अपडेटेड रखिए, हमारे जो राइट्स है उन सब चीजों से अपडेटेड रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी, अगर आप कहीं पे भी घर बुक कर रहे हैं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट DDA महाड़ा सिडको की बात नहीं कर रही हूं, अगर आप प्राइवेट बिल्डर के साथ भी अगर आप वहां पे फ्लैट बुक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी नॉलेज थी, अब इसको साइड में रखते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, जो भी जुलाई में पोजीशन मिलने वाले हैं सिडको के लिए, तो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है कि आपको पोजीशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कहाँ जाना है, सारा प्रोसीजर किस तरीके से करना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।